भाई और जानकारी लेते हैं कि ये पर्दा प्रथा है क्या। पहले सती प्रथा थी, फिर अन्य अन्य प्रथाओं ने पूरा भारत भर ऐसा जकड़ रखा है कि उससे उन्नति नहीं हो पा रही है। तो हमारे बीच में इंजीनियर सुधीर राज जी हैं, पर्दा प्रथा या जो इस देश के अंदर, जो हिंदुस्तान कहते हैं लोग, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी प्रथाएं चल रही हैं, अगर भारतवर्ष कहा जाए तो उस प्रथा को ख़त्म करने का एक विकल्प हमारे पास तैयार है और उस विकल्प के तहत हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। आइए हम जानकारी देते हैं। हमारे बीच में इंजीनियर सुधीर राज जी। सुधीर राज जी, जो पर्दा प्रथा है, जो घूंघट जिसे हम सीधा भाषा में कहते हैं घूंघट, घूंघट क्या है कि घूंघट करके रहना है? क्या एक समय वो था कि जिनके चेहरे पर कुछ निशान विशान लगे रहते थे वो घूंघट कर लिया, या जो बाहर से लोग आते थे जैसे बुर्का प्रथा है कि बुर्का पहन लिया, एक ये कल्चर है या इन लोगों ने अपने आप अपनाया है? देखिए पिपल जी, जिन देशों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ सर पे कुछ ना कुछ रखने का, जैसे मैंने टोपी लगाई हुई है आज गर्मी है, किसी ने तान का बान का घास का बना के रखा लिया, जो इधर की कंट्री हैं जापान के, मंगोल वगैरह के, और जहाँ बहुत ज़्यादा रेत या गर्मी है वहाँ कपड़े डाल लेती हैं औरतें, ऐसा शरीर को बचाने के लिए, चेहरे को धूप से बचाने के लिए औरतें क्योंकि खूबसूरत होना चाहती हैं, ये बात समझ में आती है। मगर भारत जैसे देश में जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा बारिश भी नहीं है और मौसम लगभग एक सा रहता है, और वहाँ औरतें घर के अंदर भी कपड़ा सर पर ढक के रखें, मुँह को छुपा छुपा के रखें, ऑफिस के अंदर भी, काम के अंदर भी, तो वहाँ हमें ये समझना है कि ये कैसे शुरुआत हुआ और क्या चीज़ कैसे हुई। पुराने समय में जब ना सुई थी ना सिलने की मशीन थी, उस समय कोई पर्दा नहीं हुआ करता था। भारत की औरतें आदमी से ज़्यादा काम करने वाली हैं। अगर हम ये कहें कि 100 में 55% हिस्सा औरतों का होता है हर काम में और 45% आदमियों का होता है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, क्योंकि बौद्धों के परिवार में, भारत के मूल निवासियों के परिवार में औरतें प्रधान हैं। यहाँ औरत प्रधान देश रहा है तो उनकी इज्जत बहुत रही है और वो घर की मुखिया होती हैं, सारा काम वो करती हैं। पर्दा यहाँ नहीं होता था क्योंकि वो जो कपड़ा पहनती थी वो कपड़ा यहाँ से और यहाँ तक आता था, पहले कोई भी कपड़ा सर पर नहीं आता था। मगर जब भगवान बुद्ध के बाद में उनकी शिक्षाओं का उल्टा करके लिया गया और उस धम्म चक्र को उल्टा घुमाया गया, तो आदमी का आदमी गुलाम बनाया गया। आदमी का आदमी गुलाम बनाने के लिए सिस्टम बनाया गया और सिस्टम बनता चला गया धम्म चक्र को उल्टा घुमा के, और ऐसा बताया कि ये छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, और उन्होंने उस आदमी को गुलामी का एहसास ना हो और उसे कुछ आनंद सा प्राप्त हो, इसलिए उसको कहा गया कि तू अपनी औरत को गुलाम बना ले, क्योंकि वो औरत को गुलाम बनाता है तो उसे खुद उसके अधिपति होने का, उसके प्रमुख होने का, उसके मालिक होने का एहसास होता है, तो उसको अपनी गुलामी का एहसास नहीं होता। ऐसा करने के लिए कुछ रीति रिवाज बनाए गए और यहाँ तक कि उसको अपना चेहरा ढकने का भी अधिकार आदमी से ख़त्म करा दिया गया, ताकि औरत को गुलाम होने का अधिकार होता रहे। चूँकि औरत मानसिक रूप से बहुत सशक्त होती है मगर शारीरिक रूप से बहुत कमज़ोर होती है, शारीरिक रूप से वो आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए वो मजबूरी के तहत में और इन चालों के तहत में उसे अपना सुंदर चेहरा, जिसने कभी नहीं छुपाया भारत के अंदर, वो छुपाना पड़ा। इससे सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि हमारे भारत की जो 55% शक्ति थी, जो देश की 55% शक्ति थी, जो देश के विकास में लगनी चाहिए थी, वो रुक गई। औरतें घर में गुलाम बना दी गईं, आदमी को एहसास करा दिया, वो अपनी गुलामी भूल गया, औरत की गुलामी का आनंद जीतने लगा। तो पर्दा प्रथा को बाबा साहब या जो पढ़े लिखे लोग हैं या जिन लोगों ने क्या बोलते कहा, उन्होंने पर्दा प्रथा को कभी नहीं माना, और जो पढ़े लिखे लोग हैं भारत के अंदर भी, चाहे वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के, उनके घर में पर्दा है ही नहीं। इसका मतलब ये है कि उनके लिए पर्दे के नियम कुछ और हैं और जो बाकी मूल निवासी लोग हैं उनके लिए अलग, तो समझ जाना चाहिए कि पर्दे में कुछ ही रखा, क्योंकि अगर पर्दे में कुछ रखा होता तो भारत में जितनी भी अभिनेत्रियाँ हैं जो फिल्मों में काम करती हैं सारा पर्दा लेके घूमती, जितने भी शो कथित थे, जितने भी बड़े लोग हैं उनकी औरतें पर्दा लेके घूमती, मगर ऐसा नहीं है, तो उन्हें देख के समझ जाना चाहिए, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन सर यहाँ देखा जाता है कि जो गरीब हैं या जो उनका पैसा नहीं है उनके लिए सारे ये कानून, पर्दा और ये सब लागू हैं, लेकिन जो पैसे वाले हैं उनके लिए यहाँ कोई भी पाबंदी नहीं है। हाँ, जानकारी का अभाव है, जानकारी, इसीलिए बुद्ध ने जानकारी फैलाई, इसीलिए बाबा साहब ने जानकारी फैलाई। जैसे जैसे जानकारी है, जैसे आज भाई करमवीर सिंह जी ने, क्योंकि जानकारी इनके पास है, ये हरियाणा के नेता हैं, 20 साल से इन्होंने धम्म को हरियाणा में फैलाया है, 15-20 रैलियां ये इस रामलीला मैदान में कर चुके हैं, 2 धम्म के बड़े बड़े कार्यक्रम, देश के सबसे बड़े कार्यक्रम इन्होंने यहाँ किए हैं हरियाणा के अंदर। इन्होंने कितने ही औरतों से कहा, समझाया, कितनी
आदमी को समझाया, उन्होंने अपने पर्दे हटा दिए, वो धमों में आ गए, उन्होंने जीना सीख लिया, वहाँ औरतें बराबर हैं, उनके परिवार भी सुखी हैं, उनके परिवारों की आमदनी बढ़ गई है। तो जैसे इनको जागृति आई इन्होंने और फैलाई, ऐसे जिनको जागृति आती है वो फैलाएं, और ये धीरे धीरे काम चला भी, तो बहुत लोगों ने पर्दा हटा दिया है, कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं है वो पर्दा रखते हैं। लेकिन सर गाँव देहात के अंदर देखा जाता है कि जो छोटी समाज के लोग होते हैं तो उनको ये घूंघट करना ही है, अगर कोई ऊँची कास्ट का अगर उनके दरवाजे से भी निकल रहा है तो तुरंत महिलाएं वहाँ से उठेंगी और घूंघट कर लेंगी, और घूंघट भी ऐसा करेंगी कि अगर वो कहीं चल रही है तो उन्हें वो एक गिरने का या मतलब एक अनहोनी का सामना करना पड़ता है। हाँ, कमज़ोर जब आदमी हो जाता है तो कमज़ोर आदमी अपनी धन संपत्ति, क्योंकि औरत को भी संपत्ति के दर्जे में, कुछ मानसिक लोगों ने जो बीमार हैं उन्होंने औरत को संपत्ति के दर्जे में ले आए हैं, तो वो अपने औरतों को, बीवी को, बच्चों को किसी शैतान से सुरक्षित रखने के लिए भी कहते हैं कि साइड में हो जाओ, घर के अंदर हो जाओ, सामने भी जाना पड़े तो मुँह ढक के जाओ ताकि वो देखे ना, क्योंकि अगर वो देखेगा तो उसका जो मन है वो दूषित होगा और वो कोई पाप कर्म करेगा, ऐसा सोच के भी क्या बोलते हैं अपनी सेफ्टी सुरक्षा के लिए, जो गरीब आदमी तबका आदमी जानते बूझते भी कई बार वो कपड़ा कराता है।